ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर सबसे पहली चीज जो इसका जो वेटेज है एनसीईआरटी के अंदर, इसका वेटेज 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दो लॉज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एक और दूसरा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दो। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। दो नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे आता है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, तो बस अगर वो तो सिर्फ लगेंगे 30 मिनट में काम डन है इसका, बस इतना ही है। कॉम्पिटिशन में नीट से स्टार्ट करते हैं, नीट में गारंटेड क्वेश्चन आएगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे, दोनों पे आएंगे, दो भी आ सकते हैं एक तो पक्का आएगा। बात करते हैं आपके मेंस की, मेंस के अंदर या तो फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा जैसे हमने किया, या फिर अगर किसी सेट पे ना आया तो ट्रांसफर ऑफ हीट में से आएगा, और ज़्यादातर चांस है फर्स्ट लॉ और ट्रांसफर ऑफ हीट दोनों को ही कवर किया जाता है। तीन क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सुन लो। पहला केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की, जो कि सीपीसीवी के ऊपर बेस्ड होता है, आता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट लॉ के ऊपर, वो तो गारंटेड आएगा, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था उससे पिछले में मेंस वालों को, तो वो पक्का आएगा, और कारनॉट किस्मत अच्छी है तो कारनॉट आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फर्स्ट लॉ तो पक्का आएगा, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो ट्रांसफर ऑफ हीट का होगा, और अब ये नहीं बताना कि कई बार तीन आ जाते हैं कई बार दो आते हैं, पर इन तीन क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नीट वालों को 5 या 4 क्वेश्चन आएंगे इस पूरे यूनिट में से, सीपीसीवी, केटीजी और ट्रांसफर ऑफ हीट, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ये 4-5 क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ नहीं, बहुत सिर्फ थ्योरी दिखेगी आपको इसमें, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और उनके सिर्फ रिजल्ट्स हैं, उनके प्रूफ्स नहीं हैं, उनके सिर्फ रिजल्ट्स इसके ऊपर बेस्ड हैं, बस ये इस चैप्टर का काम है। तो क्या रिजल्ट्स हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट से। ट्रांसफर ऑफ हीट नाम से पता लग रहा है कि हीट को ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है, तीन तरीके से हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला तरीका कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो जैसे अगर मैं एक गैस के ऊपर चाय बनाता हूँ या पानी गर्म करता हूँ, तो आपने देखा होगा वेसल, मेटल का वेसल गर्म हो रहा है, कैसे गर्म हो रहा है, अंदर एटम्स हैं, एटम वाइब्रेट होंगे हीट लेके, दूसरे एटम को वाइब्रेट करेंगे, फिर तीसरे को वाइब्रेट करेंगे, इस प्रोसेस से हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडक्शन। क्या होगा आपने जरूर सुना होगा। दूसरा आपने सुना होगा कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल विंड्स भी चलती हैं, या पानी जब गर्म होता है तो जो कंटेनर गर्म हो रहा है वो कंडक्शन से गर्म हो रहा है, जो पानी गर्म हो रहा है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो पहले नीचे वाले गर्म होंगे, गर्म मॉलिक्यूल हल्के हो जाते हैं ऊपर चले जाते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल उनकी जगह ले लेते हैं, फिर वो गर्म होते हैं ऊपर चले जाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस है। हवा भी ऐसी गर्म होती है, हवा कैसे गर्म हो रही है कि मान लो नीचे के मॉलिक्यूल, अर्थ गर्म है, नीचे के मॉलिक्यूल गर्म हो गए, गर्म होके लाइट हो गए ऊपर चले गए, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ गए, और ये रोटेशन चलता रहता है, इस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। तीसरा रेडिएशन, जब आप पानी गर्म कर रहे हो कंटेनर में, आपको दूर से सेक लग रहा है, सेक इंफ्रारेड रेज, वो है रेडिएशन, वो उसको उसको हीट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो जो रेडिएशन है, जब हम बोलते हैं रेडिएशन की फॉर्म में हीट जा रही है, तो उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। रुचित क्या कर रहा है, लाइक सुन रहा है, नहीं तो लैब आई मीन रिकॉर्डिंग पे, तो हेडफोन का है, ठीक बार से बुला लियो, ठीक है। तो तीन तरीके, पहला तरीका देखो कंडक्शन से शुरू करते हैं, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। तो कंडक्शन के अंदर इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ सब्सटेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। एक रॉड है, एक तरफ से गर्म है, एक तरफ से ठंडी है, तो हीट मूव जो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो एटम जो जो हॉट जो पॉइंट होगा, जो गर्म पॉइंट होगा, उसके एटम ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, और वो वाइब्रेशन आगे 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 आगे
ट्रांसफर होती जाती है, इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। तो हीट कंडक्शन से ट्रेवल करती है सॉलिड्स में, सॉलिड कन्वेक्शन और सॉलिड रेडिएशन फॉलो नहीं करेगा। रेडिएशन तो फिर गर्म बॉडी तो एमिट करती है हीट, फेक तो आता ही है गर्म बॉडी में से, पर कन्वेक्शन नहीं फॉलो करती। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद अ वुडन हैंडल्स। ऑब्वियसली लकड़ी के हैंडल इसलिए होते हैं क्योंकि लोहा गर्म हो जाएगा या स्टील गर्म हो जाएगा, और कैसे गर्म होगा भाई, कंडक्शन गर्म होगा। सेकेंड है एस्किमोज मेक डबल वॉल्ड हाउसेज ऑफ अ ब्लॉक, तो आइस के ही घर बना लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हीट जो जो अंदर का रूम है वो ठंडा क्यों होगा, क्योंकि जब उसकी हीट निकल के बाहर सराउंडिंग में चली जाएगी, तो अंदर मान लो हाई टेम्परेचर है, बाहर बहुत ठंड है, तो हीट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, बाहर जाना स्टार्ट कर देती है। पर प्रॉब्लम क्या होती है अब इस केस में, अब अगर मान लो थिक आइस लगा दो, आइस के अंदर से हीट जब ट्रेवल करेगी तो कैसे करेगी, उसके काफी थिक हो चुकी है तो लेयर बन चुकी है काफी मोटी, तो कंडक्शन तो हो नहीं पाएगा, तो हीट रूम के रूम में रह जाती है और बाहर ठंड, बाहर टेम्परेचर डाउन रहता है बाहर, तो हीट ट्रेवल नहीं कर पाती बेसिकली थिक लेयर की वजह से, क्योंकि थिक लेयर से हीट का ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है, तो एक बैड कंडक्टर की तरह काम करेगी। तो ये इसका एप्लीकेशन नंबर टू है। नेक्स्ट है आइस इज पैक्ड इन गनी बैग्स और सॉडस्ट। आपने देखा होगा बर्फ लेने जाओ फंक्शन है कहीं, तो बड़ी सिल्लियां पड़ी होती हैं, सिल्ली के ऊपर बोरियां डाल देते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, क्योंकि अगर वो ओपन रखेंगे तो क्या होगा, जो जो हीट है वो उसके अंदर एंटर कर जाएगी, वो पिघल जाएगी। मोटी बोरी से क्या होगा, उसके अंदर से हीट ट्रेवल करने में थिक लेयर है, कंडक्शन होगा तो टाइम लेगी, तो पूरा दिन आइस पड़ी रहती है धूप में, 40-40 डिग्री सेल्सियस पे भी बाहर पड़ी रहती है तब भी बहुत ज़्यादा पिघलती नहीं है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक कंडक्शन का पॉइंट। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, बताना भूल गया मैं, थर्मल कंडक्टिविटी और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, अल्फा बीटा गामा और थर्मल कंडक्टिविटी, ये एक फैमिली के वेरिएबल्स हैं सारे, मतलब एक जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं इन पे। तो हमने अल्फा बीटा गामा पे देखे, हमने थर्मल जो आपकी यंग्स मॉडुलस पे देखा, और हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर ये बताया जाता है कि मान लो आपके पास, और थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक कंडक्शन में चलता है, कन्वेक्शन या रेडिएशन के लिए नहीं वैलिड। तो हम बेसिकली क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कंडक्शन स्टार्ट किया है अभी, तो अभी कुछ देर के कन्वेक्शन या कंडक्शन की बात हो रही है। कंडक्शन का मतलब सॉलिड में हीट का ट्रेवल होना। एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड है राइट, मान लो, और ये खाली नहीं है, सॉलिड एटम्स ही एटम्स है, ये हॉट फेस है T1 और ये कोल्ड फेस है T2। हीट विल मूव फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, को डाउट इसमें, ठीक, हीट ट्रेवल करना शुरू कर देगी गर्म से ठंडे की तरफ। तो इसके अंदर मान लो डिस्टेंस कितना है इसमें डी, ये ऑब्जर्व किया गया है जो हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, हीट का सिंबल क्या है, क्यू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। जितना बड़ा ये एरिया होगा जहां से हीट को स्टार्ट किया हमने, जितना बड़ा ये एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट आगे ट्रांसफर की जाएगी। कैसे, ये आपके पास एक रॉड है, इस रॉड के यहां पर आपने हीट, इसको हॉट किया, ये कोल्ड है, तो हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम इस रॉड के अंदर से, मान लो ये मेटल की रॉड है, कंडक्टर है, तो अगर ये एरिया बड़ा होता तो ज्यादा एटम्स उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते, तो ज्यादा वाइब्रेशन जाती तो ज्यादा हीट ट्रेवल हो जाती। क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, पूरी रॉड के एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है कम हीट जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है ज्यादा हीट जाएगी, को डाउट, ठीक है राइट। तो हीट कितनी जाएगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, डिपेंड करता है इनके टेम्परेचर डिफरेंस पे, जितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रेवल होगी। अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस, फिर हीट कैसे जाएगी, तो बहुत हाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ज्यादा हीट जाएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T1 माइनस T2, बड़े में से छोटा टेम्परेचर। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल टू टाइम, आप 10 घंटे हीट को, इसको हॉट रखो, इसको कोल्ड रखो, तो ज्यादा हीट ट्रेवल करेगी, और अगर आप एक सेकेंड के लिए रखते हो फिर टेम्परेचर नॉर्मल कर देते हो तो ट्रेवल करेगी।
तो आप एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, दस घंटे के लिए हीट को ट्रेवल करवाते जा रहे हो, जितने ज्यादा टाइम दोगे हीट को ट्रेवल करने का, हीट भी उतनी ज्यादा ट्रेवल करेगी। ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। और बिल्कुल क्लियर है यहां तक, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं? ठीक। और लास्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन फेसेस। अगर ये दूरी बहुत बड़ी होगी हीट कम ट्रेवल करेगी। क्यों? मान लो ये, मान लो सिर्फ 15 सेंटीमीटर है, तो ठीक है आपने यहां हीट ट्रेवल करवाई, यहां से यहां आ गई, डन हो गया। पर अगर मान लो ये 1 किलोमीटर लंबी होती, अब देखो आप 1 किलोमीटर यहां हीट करो, पता नहीं कब कितने किसने टाइम में जाके दूसरे एंड पर हीट पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि एटम एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट, क्योंकि एटम वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनको वाइब्रेशन की एनर्जी चाहिए। तो इसलिए अगर जितना बड़ा डिस्टेंस होगा इनके बीच में, फेसेस के बीच में, हीट भी उतनी कम ही ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस कम होगा तो हीट ज्यादा ट्रेवल करेगी, एटम एब्जॉर्ब कम करेंगे। तो ये सारे वेरिएबल समझ में आ गए। इन्हें अगर कंबाइन कर लें तो Q इज प्रोपोर्शनल टू A, प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डन। एक कांस्टेंट आएगा K। कांस्टेंट क्यों लगाया? नहीं नहीं वो तो पता है मुझे कांस्टेंट क्यों लगाया, प्रोपोर्शन क्यों, मतलब जरूर नेचर ऑफ मैटर मटीरियल, बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूंगी मैं तो लक्कड़ की बात कर रहा था, प्लास्टिक की बात कर रहा था, आप कहोगे प्लास्टिक में भी हीट ट्रेवल करती है। और अगर मैं कहूँ नहीं मैं तो कंडक्टर की बात कर रहा था, आयरन की बात कर रहा था, तो हीट ट्रेवल करती है। इसका मतलब नेचर मैटर करती है। तो इन शॉर्ट के का मतलब है वेदर अ मटीरियल इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। जितना गुड कंडक्टर होगा के उतना हाई होगा, ठीक ठीक होगा गुड कंडक्टर, मतलब बहुत ठीक है, ठीक हेल्प करता है, तो के कम होगा। अगर के बिल्कुल ही जीरो होगा इसका मतलब वो एक कंडक्टर है ही नहीं, वो हीट का कंडक्टर ही नहीं है। यानी कि मटेरियल के लिए क्या लगेगा यहां पर? के, और के का नाम क्या है? कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो किसी भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी आपको हमेशा गिवन होती है। ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट है, इसके बाद क्यू, क्यू की वैल्यू ए ए T1 माइनस T2 और इनटू टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस टू डी, राइट। ये समझ में आ गया फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, Q अपॉन टाइम, टाइम स्मॉल t नीचे आ गया, तो क्या बन गया आपके पास? हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, इसका फॉर्मूला आ गया। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड लिक्विड करंट, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड हीट करंट। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इज नोन एज हीट करंट। तो हीट करंट आ गया अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, जिसका फॉर्मूला के ए, कई बुक्स यहां डेल्टा टी लिखती हैं, के ए डेल्टा टी बाय डी, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, राइट। फॉर्मूला क्लियर हो गया। और यहां से के और ए नीचे आ गया इसके, तो क्या बन गया? डी डिवाइडेड बाई के ए, ये स्टेप भी क्लियर हो गया, के ए नीचे आ गया। अब कंपेयरिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता था? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। उसी तरीके से हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम लिख लिया, इसकी जगह टेम्परेचर डिफरेंस लिख लिया, टेम्परेचर डिफरेंस लिख लेना, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय, अब ऑब्वियसली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इस चैप्टर में यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहां पर क्या यूज करेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर क्या यूज करते थे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहां पर क्या यूज करते थे? हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? डी डिवाइडेड बाय के। कोई डाउट इसमें? तो हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है इसमें? डी बाय के। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो अगर आज के बाद कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें हीट रेजिस्टेंस की बात करेगी तो उसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे? के डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय के। याद रहेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यू बाई टी का फॉर्मूला याद कर लो बस, एक चाहिए होगी वहीं से हीट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बात ही खत्म है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इसी के अंदर जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि आपके पास अब एक नहीं दो मटीरियल्स की रॉड है, एक मटीरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और दूसरा मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और दोनों के दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। आपको याद होगा सीरीज की प्रॉब्लम रेजिस्टेंस में भी आती है,
सीरीज की प्रॉब्लम पाइप्स में भी आती थी, दो पाइप्स, सीरीज की प्रॉब्लम स्प्रिंग में भी आती है, सीरीज की प्रॉब्लम यंग्स मॉडुलस में भी आती थी, दो स्ट्रिंग याद है Y1, Y2 और इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस निकालो। तो इसके मान लो ये डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, ये रॉड की लेंथ कितनी है D1, ये रॉड की लेंथ कितनी है D2। मान लो इस पॉइंट का टेम्परेचर है T1, फिर थोड़ा लोअर है T2, थोड़ा और लोअर है T3, तो टेम्परेचर का डिफरेंस इस रॉड का कितना है T1 माइनस T2 और इस रॉड का कितना है T2 माइनस T3। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी याद करो, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती थी तो करंट क्या होता था सेम। पाइप्स अगर सीरीज में होती थी लिक्विड में तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता था सेम। अगर हीट में रॉड सीरीज में है तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या रहेगा सेम। ठीक हो, तो बिल्कुल सेम ही चल रहा है हीट करंट सेम। हीट करंट का मतलब जैसे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड वैसे हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू इसमें क्या रहेगी सेम। क्लियर है? तो कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए रॉड्स का तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड को आपने सेम रखना है। तो इन सीरीज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू रॉड्स डिफर, टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी नहीं है कि T1 माइनस T2 और T3 डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या रहेगी सेम। फिर मैंने क्या बताया, जैसे ये वायर सीरीज में होती और मैं दो रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस निकालता तो फॉर्मूला क्या यूज करता R1 + R2, ऐसे ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करके रिजल्ट आया और जो रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैलिड है वही रिजल्ट किसके लिए लगाया हमने, इसके लिए लगाया, दैट इज रॉड्स के लिए। तो अगर रॉड्स सीरीज में कनेक्टेड है तो एक तो याद रखना है हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, और दूसरा याद रखना है कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो होगी इनकी, ये रेजिस्टेंस क्या होती है, ये कौन सी रेजिस्टेंस है जो हीट को फ्लो करने से रोकती है, जैसे चार्ज को फ्लो करने से रोकने का मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वायर का मटेरियल चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, कई तो बहुत ज्यादा रोकते हैं, हम बोलते हैं उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ऐसे हीट भी कईयों के अंदर बहुत जल्दी से ट्रेवल नहीं कर पाती, मतलब बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते, तो हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस या हीट रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो लेकिन फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है, पहली रॉड के लिए ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होगा R1 का, D1 रॉड की लेंथ कितनी है D1, K1 क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो रॉड का कितना है A, तो इसका भी A, इसका भी A और इसका भी A, R1 की वैल्यू क्लियर है, दैट इज D1 K1 A, क्लियर। सेकेंड रॉड की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करें D2, लेंथ कितनी है उसकी D1 की जगह D2 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी कितनी है K2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पुट कर दिया। अगर मैं दो रॉड्स की जगह एक रॉड लगाऊं मैं क्या करने वाला हूं ये समझ लो, मेरे पास दो मटेरियल की रॉड्स हैं और उसमें से हीट ट्रेवल करती है, मैं चाहता हूं कि दो की जगह एक ही रॉड हो मेरे पास, तो बताओ उसकी थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, के की वैल्यू नहीं क्या हो, के इक्विवेलेंट क्या हो, कि उतनी वो भी रॉड वही काम करे उतनी हीट पास करे जितनी ये दो मिलके करती हैं। तो जो नई रॉड लगेगी इन दो की जगह मैं एक ही रॉड लगाना चाहता हूं ऑफ अ सिंगल मटीरियल ओनली, तो उस सिंगल मटीरियल की थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशियंट कितना है Ks, राइट। जो एक रॉड लगेगी वो लंबी लगानी पड़ेगी क्योंकि सेम काम करना है तो उतनी ही लेंथ लगानी पड़ेगी, दैट इज D1 + D2, जो नई रॉड लगेगी उसकी लेंथ D1 + D2, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेंस सेम, तो वो इनका भी A और A और नई रॉड का भी एग्जैक्टली, ये याद रखना है कि जब दो रॉड सीरीज में लगती हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है दो रॉड का भी और एक रॉड का भी। तो अगर बनाना है इसके नीचे एक और डायग्राम बना सकते हो इसी के नीचे, कि सपोज मैंने एक रॉड लगा दी जिसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी Ks है और जिसकी लेंथ D1 + D2 है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A है, इसी के नीचे बना दो, ये याद रहेगा कि दो रॉड्स की बजाय हम एक रॉड में काम कर रहे हैं तो एक रॉड के लिए ये रिजल्ट वैलिड है, राइट। तो एक रॉड बनाओ D1 + D2 बनाओ Ks लिख दो इसी के नीचे बना देना। ठीक, मतलब ये डायग्राम से समझ में आ रहा है दो रॉड्स की जगह एक रॉड लगानी है। तो जो नई रॉड
रॉड बनेगी उसका एरिया कितना है, ए है, ए है, लेंथ कितनी है डी वन प्लस डी टू है, और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है के एस है, ठीक है यहाँ तक। तो एरिया 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 कैंसल और ये रिजल्ट आ गया, ठीक। नॉर्मली आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर दो रॉड जो गिवन होती है ना, ये डी वन और डी टू, मैंने अलग ली है डी वन और डी टू, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर नॉर्मली इनकी लेंथ सेम गिवन होती है, कि मान लो दो रॉड्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ ओनली, यानी कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, डी वन इज इक्वल टू डी टू, हाँ के डिफरेंट होता है बट डी सेम होता है। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये टू डी हो जाएगा, ये डी और डी हो जाएगा, डी 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 कैंसिल, तो क्या बचेगा। तो ये ना आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आया है, अगर रॉड्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्वेश्चन को कैसे करना है, ये आपको एग्जाम्पल सफिशियंट है मेरे लगता है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, याद रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कह लो। अच्छा अगर तीन रॉड हो तो यहां पर वन बाई के थ्री थ्री, तो ये एन के लिए रिजल्ट भी चलता है, ठीक है यहां तक। तो ये एनसीईआरटी में नहीं पूछेगा कोई, कंपटीशन के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव बीच में लगा दिया इसमें, राइट। नेक्स्ट है अगर यही रॉड किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर ये रॉड पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप देख सकते हो इसमें दो रॉड्स हैं, एक की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K1 है और दूसरे की K2 है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक के बाद एक सीरीज है, एक के ऊपर एक पैरेलल है। अब हीट आई यहां से, H का मतलब है हीट, लिख लेना कहीं पर लिखा हुआ है, H का मतलब Q बाय T, लिखने साइड पे लिख लो, हेयर एच मीन्स, कहीं पता लगे एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस हो गया तो आप कंफ्यूज ही हो जाओ पढ़ते पढ़ते। एच का मतलब है क्यू बाय टी, दैट इज हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक, इसको हीट करंट बोलते हैं। अच्छा वो पावर बोल रहे हो, एनर्जी बाय टाइम, हाँ बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं, हीट करंट ही बोलते हैं, गलत तो नहीं है, पावर बोला हमें, एनर्जी बाय टाइम ही है वैसे तो, ठीक यहां तक। तो इस केस में जब यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन है, यहां से भी ए वन है ऑब्वियसली, यहां ए टू है तो यहां भी ए टू है। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी दोनों के डिफरेंट है, एक गुड कंडक्टर है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा कंडक्टर ना हो, बैड तो नहीं बोलना चाहिए, हैं तो दोनों गुड, बट एक ज्यादा एक कम। जब हीट आएगी क्रॉस सेक्शन से तो कुछ हीट ऊपर से पास होगी और कुछ, वैसे भी पैरेलल में करंट भी ऊपर और नीचे से पास होता है, जो गुड कंडक्टर जो जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है ऐसे बोल देते हैं, उसमें ज्यादा करंट जाएगा, उसमें ज्यादा हीट जाएगी, जो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसमें कम हीट जाएगी। कम से कम ये तो नहीं बोल सकते कि बराबर जाएगी, क्योंकि मटेरियल K1 K2 है। हाँ अगर ये होता कि दोनों मटेरियल भी सेम होते K एंड K, फिर आधी आधी चली जाती, इसमें आधी इसमें आती, राइट। तो इस मैंने इसमें डिफरेंट लिया, ठीक। तो यहां से हीट करंट आया, कुछ हीट करंट इसमें चला गया H1 और कुछ इसमें चला गया कितना H2, तो हीट करंट H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। ये ऐसे कर लो, टोटल हीट फ्लोइंग पर सेकेंड कितना आया था Q by T, उसमें से कुछ किसमें चला गया फर्स्ट रॉड में और कुछ कुछ किसमें चला गया सेकंड में, कोई डाउट इसमें। करंट इज I1 प्लस I2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एक तो ये रिजल्ट याद रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस इस एंड का और इस एंड का सेम रहेगा, कहने का मतलब अगर यहां टेम्परेचर T1 है तो पूरे फेस का T1 है, टेम्परेचर T2 है पूरे फेस का T2 है, तो इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, इस रॉड का भी T1 माइनस T2, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम रहता है, जैसे सीरीज में अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन वी डिफर करता है, पैरेलल में वी सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है, इसमें भी सेम है, पैरेलल में करंट तो डिवाइड हो गया हीट करंट पर वी सेम रहेगा, वी नहीं बोलना, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें सेम है। जस्ट वैसे बताया चाहिए नहीं हमें, हमें सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे वायर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वायर्स का केस क्या होगा, वायर्स में जो रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय आर पी इज 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू यूज करते हैं, कोई डाउट इसमें, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास, राइट। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फर्स्ट रॉड का और लेंथ दोनों की एग्जैक्टली सेम है, डी वन प्लस डी टू, इसमें डी वन डी टू नहीं है, सेम है डी एन टी। तो पहले केस में रेजिस्टेंस क्या होगी, डी डिवाइडेड बाई के वन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, ए वन आना चाहिए था यहाँ पे,
A1 करना प्लीज यहाँ, A1 यहाँ पे A1 फर्स्ट रॉड की बात हो रही है, तो D डिवाइडेड बाय K1 टाइम्स A1, और सेकेंड में रेजिस्टेंस क्या होगी, D डिवाइडेड बाय K2 टाइम्स A2। फिर अगर मैं दो की जगह, अब यहां पर इसके नीचे एक और डायग्राम बना लो प्लीज, इसके नीचे एक और डायग्राम बनाओ कि सपोज करो, लेट अस सपोज ये मैंने एक दो की जगह एक मटेरियल लगा लिया जिसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी नया कितना है, टू के पी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या लिया जाएगा, A1 प्लस A2, डिस्टेंस वही सेम लिया जाएगा जितना इसका D&D है, और टेम्परेचर डिफरेंस भी एग्जैक्टली क्या रखा जाएगा इसमें भी एग्जैक्टली सेम, दैट इज कॉन्स्टेंट, राइट यहां तक। तो इसकी जगह ये डायग्राम बना सकते हो उसके नीचे ही, मतलब मैं दो रॉड्स की जगह अब एक रॉड लगाने जा रहा हूं, इसका मतलब ये है, ठीक। तो इसमें टेम्परेचर मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है, जो नई रॉड मैंने बोर्ड पे बनाई उन दो की जगह एक रॉड जो वही काम करेगी जो दो रॉड्स मिलके करती थी, उसका डिस्टेंस भी एग्जैक्टली डी लेना है, क्योंकि दो रॉड की जगह एक रॉड लगेगी तो डी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी KP, एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, राइट, A1 प्लस A2, ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको, ठीक ठीक है यहाँ तक। तो डी 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा सब करने के बाद, और यहां से K(P), यहां से K(P) की वैल्यू अगर निकालें, ये लो K(P) की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में देखा गया है जो दो रॉड्स पैरेलल में लगाएगा उसका एरिया A1 A2 सेम देगा। तो अगर एरिया A1 A2 के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये A1 A2 की जगह क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा नई रॉड में। अब चेक कर सकते हो A1 A2 A और A, A1 प्लस A2 की जगह 2A, A कैंसिल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इजी है, कुछ नहीं करना आपको, रेजिस्टेंस की तरह ही काम करना है, राइट। नेक्स्ट इसी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, ये तो सेम रिजल्ट है, बिल्कुल सेम रिजल्ट है, लेकिन ये मैंने बनाया हुआ है इसमें, ओके रहने दो, फिर मैं उस रिटर्न शीट में लेके आऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये एन तक रिजल्ट को कंटिन्यू किया हुआ, जरूरत ही नहीं है, मैंने बता दिया ना, तीन होगी तो क्या करना है, चार होगी तो क्या करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करना, ये मैंने शीट में डाल दिया होगा फिर उसमें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें कन्वेक्शन, ओके यहां से स्टार्ट है, राइट, कन्वेक्शन, ये जो मैंने स्किप किया ना सारे का सारा, वो मैंने शीट्स में अपने फॉर्म में कुछ नया फॉर्म दिया होगा उसे, तो वो शीट्स में करवाऊंगा मैं, राइट। तो अभी कन्वेक्शन मैंने आपको बता दिया, कन्वेक्शन क्या है कि इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू बॉडीली मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, वही एटम्स का मूव करना, क्योंकि सॉलिड में जब गर्म होते हैं तो एटम मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स मूव करते हैं, एटम मूव करते हैं, तो यही फर्क है इनमें, राइट। लेकिन हीट जो है वो एटम्स ही कैरी करते हैं, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड या गैसेस हो। कन्वेक्शन के ऊपर मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है आपके इसमें, है ही नहीं, करना ही नहीं है, बस कह के छोड़ दिया, खत्म हो गया। सबसे ज्यादा पार्ट आपके सिलेबस में रेडिएशन है, और क्वेश्चन आएगा रेडिएशन भी आएगा, रेडिएशन, ठीक। रेडिएशन के अंदर इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम, क्योंकि इसमें एटम की जरूरत है ही नहीं, तो हमारी तरफ से चाहे बीच में कोई मीडियम ना हो, हीट रेडिएशन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल
कर जाएगी। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? सो प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशंस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है रेडिएशंस की। पहली प्रॉपर्टी, दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। गर्मी है, इंफ्रारेड रेज है या कोई भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती ही है, वैसे सन भी तो लाइट भी तो आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये ऐसी ट्रेवल करती हैं। कैसे करती हैं प्लस टू के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ऑबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर भी, एंड दे हैव वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ही मूव करती हैं। नेक्स्ट है, फिर से फिजिक्स न्यूटन ने स्टार्ट की प्लस वन की, और न्यूटन ही इसे ख़त्म करेगा, और मानना पड़ेगा यार, बहुत जगह आया हुआ है। मतलब हम कोर्स करते हैं, वो बंदा कोर्स लिखता था, चलो ये बनाते हैं। इस बंदे ने थर्मोडायनेमिक्स में भी काम किया और वेव्स में भी काम किया, इसने आने वाला है वो भी वेव्स का रिजल्ट भी, पता नहीं कितने एरिया में काम किया है। इसने क्या किया कि देखो, इसने एक चीज़ को स्टडी किया, इसने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी वो एक सराउंडिंग में या एक एनवायरनमेंट में, यहाँ कमरे में हुई है, तो वो बॉडी ठंडी हो जाएगी और कितना टेम्परेचर एक्वायर करने की कोशिश करेगी, जितना रूम का टेम्परेचर है। मान लो रूम का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, चाय का कप है 80 डिग्री सेल्सियस पे, या रूम का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंड पड़ रही है, चाय का कप है 80 डिग्री सेल्सियस, बहुत जल्दी ठंडी होगी, सर्दियों में चाय जल्दी ठंडी होती है। गर्मियों के अंदर बाहर का टेम्परेचर या रूम का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, चाय का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम है, सर्दियों में ज़्यादा है, गर्मियों में कम है। तो उसने ये एक चीज़ बताई हमें कि जितना हाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टाइम टेकन टू लूज दी हीट, जो टाइम लेगा वो चाय का कप ठंडा होने में, उतना ही कम लेगा। जितना हाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जल्दी चाय ठंडी होगी। यानी कि समथिंग रिलेटेड विद टाइम एंड हीट। तो न्यूटन ने ये तो बताया कि हीट कितनी लूज हो रही है, साथ में ये भी बताया कितनी देर में लूज हो रही है। तो क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें आया हुआ है इस साल मेरे ख्याल से 2018 में भी, 17 या 18 में आया है, मेन्स में आया है, 3 साल पहले नीट में आया है, और एनसीईआरटी के स्कूल में डाल देते हैं, सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। एक चाय का कप है, वो 70 डिग्री सेल्सियस पे है, और वो 60 डिग्री सेल्सियस 7 मिनट में आता है। तो बताओ 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में आएगा? 7 मिनट में नहीं आएगा कम से कम, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अब कम होता जा रहा है उसका, रूम की तरफ आता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है समथिंग रिलेटेड विद टाइम, बहुत बार आता है, हर सेट किसी ना किसी पेपर में तो फंस ही जाएगा, पक्की बात है, आएगा ही आएगा। उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा हमें? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये स्कूल में भी आना है आपके। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थ्योरी है इस चैप्टर में, ज्यादा न्यूमेरिकल बड़े नहीं है, न्यूमेरिकल तो वन लाइनर्स हैं इसमें, पढ़ाएंगे जरूर, वो वन लाइनर भी ठीक ठाक हैं, दूंगा मैं असाइनमेंट, मेरे असाइनमेंट्स क्या आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, अब देनी तो आज शायद कुछ सेट निकले भी हुए हैं, चेक करवाता हूँ मैं, निकाल दिए बहुत है, मतलब आपका मन भर जाएगा, पक्की बात है, कोई एंड तक अगर पहुंच जाए तो उसका क्वेश्चन तो नहीं गलत होता किसी कॉम्पिटिशन में, पक्की बात है, गारंटेड है। तो दम चाहिए करने का, मैं दे रहा हूँ असाइनमेंट, और उसमें से अभी 5-6 असाइनमेंट ने दी नहीं है, तो भी ठीक ठाक वैरायटी है उसमें, मेरे को लगता है मैं 50% भी टच नहीं कर पाया हूँ उसकी, मतलब इतने हैं टाइप्स तो टच कर दिए हैं, अब हर क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता उसमें, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। और कुछ बहुत बढ़िया असाइनमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप पक्का करें, तो उसके तो मैंने साथ में सॉल्यूशन भी पेस्ट करवाए हैं, ताकि आप मतलब ऐसा ना हो आप अटके रह जाएं और छोड़ ही दें क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस हैं, पुराने पेपर में से एक्चुअली मैंने लिए हैं, आपके पास नहीं, एडवांस के भी हैं, पुराने एम्स के भी हैं, नीट के भी मिक्स किए हुए हैं सारे, वो आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं आपको दूंगा, ट्रांसफर ऑफ हीट के क्वेश्चन हैं वो, तो वो मैं या तो करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में आप उसको उसको नोट्स की फॉर्म में रख सकते हो, राइट। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, इट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ है देखो, डी क्यू, क्यू का मतलब हीट, डी क्यू बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट का लूज होना रिस्पेक्ट टू
टाइम, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लॉस के आगे क्या लगता है, माइनस। फ्लूइड्स में किया था, टैंक खाली हो रहा है, वॉल्यूम लॉस हो रहा है, माइनस। तो देखो उसमें का साइन क्या आएगा, माइनस। तो कोई बॉडी जब ठंडी होगी अपने अंदर से हीट को बाहर निकालेगी, एक सेकेंड में पर सेकेंड हीट छोड़ती जा रही है, रिलीज करती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो उस रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को क्या लिखा जाता है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्या स्टेप क्लियर है? ये मान लो किसी हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है, थीटा, ठीक, थीटा, एंड थीटा नॉट किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का, रूम का टेम्परेचर थीटा नॉट है, बॉडी का थीटा, ऑब्वियसली थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, बॉडी को गर्म रखोगे तभी ये लॉ चलेगा, नहीं तो कैसे काम करेगा, ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और डी क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ हीट लॉस इन टाइम डी टी, तो रेट का मतलब माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है यहां तक? ठीक, सो न्यूटन ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, माइनस डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का। क्यों? जितना हाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ये 85 है और रूम का टेम्परेचर सिर्फ 5 है, बहुत टेम्परेचर डिफरेंस है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट उतना ही ज्यादा होगा। और अगर ये टेम्परेचर, ये मान लो 85 है और रूम का टेम्परेचर, या अगर मान लो ये 45 है, रूम का टेम्परेचर है 40, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा नहीं होगा, फिर क्या ही लूज करेगी, तो अप्रोच करने वाली है रूम के टेम्परेचर को। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, बॉडी का भी और रूम का भी, तो फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा, जीरो होगा ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो केस में कॉन्स्टेंट आएगा के, के और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट। तो क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, सुन लो, व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एक्सप्लेन, तो ये स्टेटमेंट आएगी और ये क्वेश्चन नंबर 1 तक आएगा, राइट, यहां तक लिखना है। फिर आगे क्या लिखना है, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स बाय डी थीटा, करना प्लीज क्रॉस करके इसे, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स बाय डी थीटा इन टाइम डी टी, मैंने गलती से डी क्यू लिख दिया, एक्चुअली डी क्यू और डी थीटा देखने में एक जैसे हैं, तो टेम्परेचर फॉल्स बाय डी थीटा मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, थीटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, थीटा नॉट, तो बॉडी का टेम्परेचर लूज हो रहा है और धीरे धीरे, देखो चाय का कप एकदम ठंडा नहीं हो जाएगा, आपने बाहर निकाला और वो एकदम ठंडी हो गई, टाइम लेगी, तो डी थीटा लॉस होता जा रहा है। तो मान लो डी थीटा फॉल इन टेम्परेचर कितनी देर में, इन टाइम डी टी, कर लिया करेक्शन, कर लिया। तो मुझे ये पता है कि हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है किसी बॉडी का, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, याद है? तो हीट लॉस मान लो डी क्यू चेंज इन हीट है, उस बॉडी में से कितनी हीट निकलती है, डी क्यू मतलब चेंज इन हीट, क्यों, बिकॉज देयर इज सम चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डी थीटा, तो बॉडी का मास कितना है, एम, स्पेसिफिक हीट कितनी है, सी, एम सी डेल्टा थीटा, वही सेम लगा रहा हूँ, एम सी डेल्टा थीटा। तो चेंज इन टेम्परेचर बहुत छोटा है डी थीटा, तो हीट भी लूज कितनी हो रही है, डी क्यू, क्लियर है? टाइम से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, डी टी डी टी, क्लियर है? ये क्या बन गया, डी थीटा बाई डी टी, ये क्या बन गया, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी कितना हीट का लॉस है पर सेकेंड, डी थीटा बाई डी टी कितना चेंज इन टेम्परेचर है पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में डी क्यू बाई डी टी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हमने क्या निकाला था, चेक करना, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू थी के टाइम्स थी, माइनस माइनस भी था, माइनस था, माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। तो इसकी जगह पुट करो, मैं यहां लिख देता हूं एक मिनट, ये लो, मैं कह रहा हूं, मैंने इक्वेशन बता रहा हूं, देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम सी डी थीटा बाई डी टी, ये स्टेप क्लियर है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से क्या लिखा था, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के, ये लिखा था, मैं इसकी जगह पुट करना चाहता हूं, तो माइनस के थीटा
थीटा माइनस थीटा नॉट एम सी डी थीटा बाय डी टी, राइट। तो यही स्टेप आ गया सेम है ये ना, ठीक है ना। तो डी थीटा बाय डी टी अगर लिखना है तो लिख लो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के बाय एम सी थीटा माइनस थीटा नॉट। ये स्टेप क्लियर है तो लिखना है लिख लो साइड पे, नहीं तो घर जाके देख रहे होगे स्टेप्स कहाँ से आए हैं। दो लाइन लिख लो, कोई फर्क नहीं है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और एमसी डेल्टा थीटा। ठीक, क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी ठीक। इसमें ये स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है, कहाँ से आया रादर, ये स्टेप भी क्लियर हो गया, ये वाला स्टेप सही है। तो हमने क्या किया, छोटा के कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, बॉडी की स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट है, एक बड़ा कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है किसी भी बॉडी के लिए तो बड़ा कांस्टेंट के। हालांकि आपको बता देता हूं, मेंस में और नीट में दोनों में क्वेश्चन आया कि मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं और उन दो बॉडीज में एक की स्पेसिफिक हीट सी ज्यादा है और एक की स्पेसिफिक हीट सी कम है, तो बताओ किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब कौन जल्दी कूल होगा, क्योंकि जितना ये रेट ज्यादा होगा उतना बॉडी डाउन टेम्परेचर आ जाएगी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, जिसका सी बड़ा होगा उसका ये रेट कम होगा, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। और जिसका सी छोटा होगा उसका रेट ज्यादा होगा, मैं न्यूमेरिकल लिख के लाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपसे क्वेश्चन आए, पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसने थोरो पूरा लॉ समझा हुआ है उसी का अटेम्प्ट हो पाएगा, जिसने ऊपर ऊपर से फॉर्मूला याद कर लिया उसको पता ही लगेगा सी कहां गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो कैसे क्वेश्चन को उठाते हैं। रादर एक और क्वेश्चन आया था उसी के अंदर, डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों के ऊपर, एक बॉडी की डेंसिटी रो है और स्पेसिफिक हीट सी है, दूसरे की टू रो है स्पेसिफिक हीट सी बाय टू है। देखो मास को लिखना पड़ा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट के भी। क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चन आए, पर साथ साथ बता रहा हूं कि मैं रिजल्ट को कैसे पिक करूंगा, राइट। तो ये के आ गया यहां पर, को डाउट इसमें, ये स्टेप को क्लियर है चेतन? क्लियर है ठीक। और इस पूरे को कांस्टेंट लिख दिया, और लिख भी जाए, देखो साइड पे शायद लिखा हुआ, मेरे माइंड में शायद आ गया होगा लिखते हुए, मैं लिख दिया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्पेसिफिक हीट, राइट। सो एक काम करते हैं, इधर ध्यान से देखते हैं क्या करने जा रहे हैं। थीटा, ये देखो दिस इज डी थीटा, डी थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा द वेरिएबल ना, थीटा तो चेंज हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर एक जगह तो फिक्स है नहीं, बॉडी का टेम्परेचर अगर थीटा है तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। थीटा नॉट, रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, रूम का टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। तो एक काम करते हैं, थीटा वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टाइम और के वाली टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई डाउट इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, इसलिए क्योंकि डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा धीरे 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 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और हमने क्या निकालना है, हमने फाइनल टेम्परेचर निकालना है और इनिशियल हमें मालूम है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल तक। मैं करके दिखाऊंगा लिमिट्स के साथ, बिना लिमिट्स के करनी है अगर फॉर अ स्मॉल चेंज तो बस वो तरीका बता के छोड़ रहा है, जस्ट मेथड बता के छोड़ रहा है, वो न्यूमेरिकल में अपना लिमिट्स लगाना कि आपकी बॉडी 85 डिग्री पे थी और फाइनली 55 डिग्री पे आ गई, मैं लिमिट्स लगा के दिखाऊंगा आपको, बट बाय इंटीग्रेशन वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एज वेल एज इनिशियल टेम्परेचर। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो याद रखना 1 बाय एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, लॉग एक्स,
वन बाय ये टर्म डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ दिस टर्म, राइट, इंटीग्रेशन का रूल भूल तो नहीं गए लॉग वाला, तो वन बाय एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स, वन बाय दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज लॉग ऑफ थीटा माइनस थ्री नॉट, राइट, और माइनस के कॉन्स्टेंट है, वन डी टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी टी, और इंटीग्रेशन का रूल अगर हम लिमिट्स नहीं लगाते तो हमें क्या लगाना है कॉन्स्टेंट, और अगर लिमिट्स लगाते हैं फिर हमें कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को लिमिट्स तो पता नहीं इस क्वेश्चन में, या तो मैं लगा दूं अपने मन से थीटा वन से थीटा टू, फिर तो चलो बात खत्म है, लेकिन अगर मैंने नहीं लगाई, जैसे कि डेरिवेशन में नहीं लगाई, तो मैंने भी नहीं लगाई, तो फिर मैंने पीछे क्या लिख दिया कॉन्स्टेंट, कोई डाउट इसमें, यहां तक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तीन नंबर का आपने लिख के आना है स्कूल में, अभी ये एनसीईआरटी वाला चल रहा है प्लीज, ठीक, क्योंकि कॉम्पिटिशन, इसका कॉम्पिटिशन एनसीईआरटी में ज्यादा फर्क नहीं है, वैसे बता दूं इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, वो सेम चीज को न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की फॉर्म में लेके आएगा, छोटे 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 ट्रिक्स होंगे उसमें, मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रिक्स हैं, पहले थ्योरी अच्छे से एक बार आनी चाहिए, इस चैप्टर की खास बात है, थ्योरी नहीं आएगी तो इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कोई भी, पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, कॉम्पिटिशन में इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट और मेन्स दोनों में, बहुत बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ग्राफ प्लॉट करो लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट का और टाइम का, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गई, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में जब बॉडी ठंडी होती है तो कह रहे टाइम का और जो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का और सराउंडिंग का उसका लॉग का ग्राफ प्लॉट करो, तो ये देखो ये ग्राफ है, साफ पता लग रहा है और मैथ्स वालों को ज्यादा समझ में आता है, वाई एक्सिस में ये टर्म है ये री वाई, तो ये वाई बन गया, एक्स एक्सिस में क्या टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, मेडिकल वाले याद रखेंगे ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन बनाना है और ग्राफ का ये बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनता है, क्लियर है यहां तक, तो मेडिकल में तो डायरेक्ट टिक करने को आएगा कि क्या बस सीधा प्लॉट करो दैट्स इट, उनको थोड़ा सा बताऊंगा क्या आएगा अभी, ठीक, आपको कुछ अलग तरीके, आपको ना दो ग्राफ गिवन होंगे, देगा ग्राफ बना के नॉर्मली, फिर आपको बताएगा बताओ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ग्राफ बने हैं, बताओ किसकी स्पेसिफिक हीट बड़ी है किसकी स्पेसिफिक हीट छोटी है, करके दिखाऊंगा, ग्राफ और मैथमेटिकल दोनों चीजें आती हैं, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, स्टैंडर्ड ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने नहीं बनाई है, तो स्टैंडर्ड रिसर्च किए हुए उसके ग्राफ्स हैं, और ऐसे ही एक और ग्राफ आता होता है डी थीटा बाई डी टी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बेसिक डेफिनेशन यही तो थी कि टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का और सराउंडिंग का जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा डी थीटा बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, सेकेंड ग्राफ का वेरिएशन स्टैंडर्ड याद क्लियर है यहां तक, देखो ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं बिल्कुल भी, कोई डाउट है इसमें, अब इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन करना कैसे है, मैंने दोनों मेथड लिखे हुए हैं, एक मेथड शॉर्टकट है मेडिकल वालों के लिए और एक हो सकता है नॉन मेडिकल में काम आ जाए, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है, दूसरा मेथड एचसी वर्मा का है, वो बहुत सही मेथड करता है और बिल्कुल मैथमेटिकल बात करता है और सीधी बात करता है, और मेडिकल में इतना नहीं आएगा क्योंकि वो जो मेथड है वो एक्सपोनेंट्स और लॉग्स के ऊपर बेस्ड है, वो आपको नहीं आएगा, आपको ये आएगा, आप पुराने पेपर खोल के देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, मेडिकल नॉन मेडिकल में भी है, सेम मेथड वन दोनों में चलता है, नॉन मेडिकल को इसलिए अलर्ट कर रहा हूं क्योंकि कई बार हो सकता है वो आपको ऑप्शंस ही एक्सपोनेंट में दे, फिर शॉर्टकट फेल हो जाएगा, हम शॉर्टकट में एक्सपोनेंट नहीं दे, मैं आपको करके दिखाता हूं क्वेश्चन, फिर आपको दोनों क्वेश्चन आएगा कि पहले फॉर्मूला देख करें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, डी क्यू नहीं है प्लीज, डी थीटा बाई डी टी अभी प्रूव किया था, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, राइट, फॉर्मूला याद हो गया, डी थीटा का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, थीटा का मतलब बॉडी का टेम्परेचर, नहीं आपको एवरेज नहीं पता, थीटा का मतलब बॉडी टेम्परेचर, पर नहीं है कि मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक चाय का कप 70 डिग्री से 60 डिग्री पे आ गया, तो थीटा क्या लें 70, फिर आएगा 69, फिर आएगा 68, फिर आएगा कितना 60, ये तो पता नहीं कितने ही थीटा की वैल्यूज अचीव करेगा वो, तो थीटा तो बेसिकली बॉडी का कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है चेंज, सही, और सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट में,
हम इसका क्या ले लेंगे, एवरेज टेम्परेचर, क्योंकि बहुत सारे टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं एक बॉडी के, फ्रॉम मान लो 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, तो हम आर्बिटरी कोई वैल्यू लेने की बजाय हम क्या करेंगे, एवरेज टेम्परेचर ले लेंगे। मैं करके दिखाता हूं कैसे। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, शॉर्टकट है प्लीज, ये कैसे अप्लाई करना है, और ये रिजल्ट आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। वो इसलिए अप्रोक्सीमेट देगा क्योंकि आपने यहां पर अप्रोक्सीमेशन चलाई है। देखो आपने सही नहीं किया, करना बनता तो इंटीग्रेशन से था, डी थीटा डी थीटा डी थीटा, पर आपने बिना इंटीग्रेशन के करना है। ये वही है जैसे एवरेज प्रेशर निकलता था, याद है, वॉल्स पे H ρg/2 लगा दो बस, ठीक है, इंटीग्रेशन अवॉइड करो और बात खत्म करो। ये वही चीज है सेम। तो क्वेश्चन आएगा, मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, राइट, और मान लो वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, कितने टाइम में, 7 मिनट में, और 40 डिग्री से बताओ उसका टेम्परेचर अगले 7 मिनट में क्या होगा। तो 7 मिनट में 40, 7 मिनट में क्या होगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक। और बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना गिवन है, 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आएगा तो यही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का नॉर्मली क्वेश्चन आएगा मेडिकल वालों को, या ग्राफ आएगा यही आएगा, नॉन मेडिकल में तो अभी देखते हैं क्या क्या आएगा, ठीक, ज्यादा नहीं आएगा इसके ऊपर भी, अभी 2018 में आया है ये भी करंट अभी, ठीक, हो सकता है 19 में ना आए, 20 में आ जाए, आपकी बारे में आ जाए, ठीक। तो अभी केस नंबर 1 बनाते हैं, टेम्परेचर थीटा कितना है, 60 से लेके कितना, 40, तो वैल्यूज पुट करेंगे ये लो, डी थीटा बोलो क्या पुट करें, डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर बोलो डी थीटा, 60 माइनस, क्लियर है, टाइम बोलो कितनी देर में, 7 मिनट्स में, कोई डाउट इसमें, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, डी थीटा में चेंज इन टेम्परेचर, डी थीटा में कीजिएगा 7 मिनट माइनस के, 60 और 40 के बीच में तो बहुत टेम्परेचर हैं, तो हमने क्या डिसाइड किया था, यहां क्या पुट करेंगे, एवरेज, एवरेज क्या होगी, 60 प्लस 40/2, धक्का है थोड़ा सा क्योंकि बहुत टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, पर चलता है, वो इसलिए चलता है जिसने बनाया फॉर्मूला उसका आंसर सही आना स्टार्ट हो गया, हमने मान लिया ठीक है यार चलेगा, लॉग दूसरा मैथड एक्चुअल मेथड भी करके दिखाऊंगा, बट कोशिश करना पहली बारी में अगर इससे होता है तो ठीक है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 60 और 40/2 माइनस 10, एक्चुअल में जो एवरेज भी होती है ना वो मिड पॉइंट पे आएगी, एक्चुअली एवरेज है, चेंज हो रहा है तो वो इसलिए चल जाता है इसमें। अब केस नंबर 1 क्लियर हो गया, फिर से एक बार लगाओ केस नंबर 2 बोलो, अब टेम्परेचर 40 से कितना हो रहा है, टी, 40 से टी, डी थीटा टेम्परेचर डिफरेंस बोलो, 40 माइनस टी कितनी देर में, 7 मिनट्स में, माइनस के सेम, एवरेज टेम्परेचर बोलो 40 प्लस T/2, और सराउंडिंग का अभी भी टेम्परेचर कितना, 10। इसमें दो केस बन गए, एक काम करो इन दोनों केसेस को डिवाइड कर दो, माइनस के सब कैंसल, सॉल्व, आंसर कितना आएगा, 28 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया, क्या मुश्किल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, मिनट्स में कर लोगे तो मिनट से मिनट कैंसिल, सेकंड करोगे सेकंड से सेकंड कैंसिल, इसलिए किया नहीं क्योंकि कैंसिल ही होना डिवाइड होने से, करना है कर लो, पॉइंट समझ में आ रहा है। ये तो था एक अप्रोक्सीमेट और इजी तरीका जो काफी ज्यादा बुक्स यूज करती हैं। अब नॉन मेडिकल वालों के लिए स्पेशली एक्चुअल तरीका, उसने कहा अब एक काम करो, न्यूटन ने जो कहा था वैसे ही काम करेंगे, न्यूटन लॉ ने कहा था कि टेम्परेचर डिफरेंस धीरे धीरे चेंज होगा डी थीटा करके, याद है अभी इंटीग्रेशन वाला स्टेप बता रहा था मैं, मैंने भी थ्योरी में बताया था कि इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट लगा देना, पर हम क्यों लगाएंगे, हमें तो लिमिट्स पता है, हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है, इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है थीटा 1, फाइनल कितना है थीटा 2, और ऐसा होने में कितना टाइम लिया बॉडी ने, टी सेकेंड, तो 0 से लेकर टी, अब मैं कॉन्स्टेंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें लिमिट लगा दी, राइट। तो मैंने क्या किया, लॉग ऑफ ये जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या बनेगी, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट थीटा 1 से थीटा 2, एक बार थीटा वेरिएबल है, थीटा नॉट कांस्टेंट है, थीटा की अपर लिमिट, एक बार थीटा लोअर लिमिट माइनस कर दिया, एक बार थीटा की जगह थीटा 2, एक बार थीटा की जगह थीटा 1, कोई डाउट इसमें, लॉग ए माइनस लॉग बी, और यहां पर माइनस के 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी, ये स्टेप क्लियर है,
log of first term minus log of second term, इसकी बजाय काम किया, इसको माइनस की जगह प्लस कर लिया और इसको रिवर्स कर लिया, मतलब इसको पहले लिख लिया, इसको माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया। ये स्टेप समझ में आया? थीटा टू वाली टर्म पहले चल रही है, थीटा वन वाली पहले कर ली, थीटा टू बाद में माइनस लगेगा, माइनस यहां से क्या हो गया, कैंसल। गुड आउट इसमें। और नेक्स्ट है लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू के टी। मैथ्स का रूल है, एक्सपोनेंट चल ई चल रहा है यहां पर बेस, लॉग हटेगा तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इज ई रेस टू पावर के टी। तो एक्चुअल तरीका ये है नॉन मेडिकल वालों का, ये बना सही तरीका, इसमें कोई एवरेज नहीं है, देखो पूरी लिमिट लगाई हुई है थीटा वन से थीटा टू। तो इसको यूज करके देखते हैं। क्वेश्चन किया था अभी अभी, क्वेश्चन में क्या किया था, हमारा जो टेम्परेचर इनिशियल कितना था थीटा वन 60 और कितना हो गया था 40, राइट, कितनी देर में 7 मिनट में। थीटा नॉट कितना है 10, अपना जो फॉर्मूला आपने बनाया उसमें वैल्यू पुट करो, थीटा वन की जगह 60, थीटा टू की जगह 40, सराउंडिंग कितना 10 और कितनी देर में 7 मिनट में। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? और यहां से 10 माइनस 60 माइनस 10 इज 50, 30, 5/3, 7 के। इक्वेशन नंबर वन क्लियर? ठीक, फिर से बनाए केस नंबर टू में। केस नंबर टू में इनिशियल टेम्परेचर कितना था 40, फाइनल कितना है टी और सराउंडिंग कितनी है 10। पुट करें थीटा वन की जगह 40, थीटा नॉट 10, थीटा टू की जगह टी 10 और 7 मिनट्स में। क्लियर है यहां तक? ठीक, दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड बात नहीं करो, दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड पे क्या आया हुआ है 7k, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर दें। ये मैंने इक्वेट कर दिया, ऑब्वियसली लॉग ऑफ ये जो भी टर्म है इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये, यानी कि ये टर्म इसके इक्वल है। सॉल्व किया तो आंसर देखो क्या आया, 28। कौन सा मेथड सही लगा, 1 की 2? बहुत बढ़िया, 1 तो पक्का ही 1 करेगा, 2 करने की जरूरत नहीं है मेडिकल को। नॉन मेडिकल वाले प्लीज माइंड में रखें, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, चार ऑप्शन वो एक्सपोनेंशियल बना के दे देगा, फिर मत कहना कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में एक्सपोनेंट बीच में कैसे आता है। तो आपको मेथड 1 तो बोनस है, आ गया तो चल गया, चल गया नहीं चला तो फिर ऑप्शन देके लग ही जाएगा कि मेथड 2 ही लगेगा। ठीक है, यहां तक बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में इंटीग्रेशन वाला मैथ के टीचर करवाई देंगे, प्लस 2 में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, अभी के लिए ठीक है, तो बुरा नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इजी है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर कई लोग ये सोचते हैं, जरा प्लीज ध्यान आगे, ठीक। सो नेक्स्ट इज हाँ, मैं कुछ कह रहा था आपको, कुछ लोग ये सोचते हैं ये पूरा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की थ्योरी में चलें, एक मिनट प्लीज ध्यान से देखना, इधर देखना प्लीज, जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है यहां से स्टार्ट हुआ था, ये इसकी क्या थी स्टेटमेंट थी, ये क्या था पूरे का पूरा इसका इसका प्रूफ था, प्रूफ नहीं था, ये प्रूफ नहीं था, ये तो वो अपनी बात बता रहा था मैथमेटिकली, पहले उसने थ्योरी में बताई फिर से मैथमेटिकली, ये प्रूफ नहीं किया। मैंने ये नहीं बताया अभी तक कि न्यूटन ने प्रूफ कैसे किया था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो लॉस ऑफ हीट ज्यादा क्यों हो गया, वो अपने कॉमन सेंस से निकाल रहे हो, बात अलग है, आपकी भी ऑब्जर्वेशन न्यूटन की तरह चल रही है, हाँ मुझे भी लगता है कि हाँ चाय का कप ठंडा तो होता है, राइट, लेकिन ये जो मैथमेटिकल चल रहा है उसकी बात बताने का तरीका है, ये पूरे का पूरा सिर्फ लॉ है, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। प्रूफ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ऑप्शनल है,
मैं आपको या तो उस पर अभी नहीं करूँगा, ये जो प्रूफ है इसके लिए एक और लॉ सीखना पड़ता है, स्टीफन्स लॉ, जो आज के एंड ऑफ लेक्चर में आएगा, वो भी पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। स्टीफन लॉ ने प्रूव किया था कि हेल्प से प्रूव किया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि पहले काम किसने किया था, स्टीफन ने, फिर आया था न्यूटन। हमारी किताब कैसे चल रही है, पहले कौन आया, न्यूटन, फिर बाद में कौन आएगा, स्टीफन, तो उल्टा है। तो मैंने एंड में लिखा हुआ है, एक्चुअल में जो हिस्ट्री है वो उल्टी है। ठीक, तो नेक्स्ट करते हैं, दिस इज नॉट प्रूफ, प्रूफ आता नहीं है वैसे, बट कई लोग पूछते हैं प्रूफ करके दिखाओ कैसे हुआ, तो उनके लिए बता दूंगा कि कैसे हुआ। लगाना तो आ गया, सिलेबस देख रहा है, सिलेबस देख रहा है कितना रह गया, एंड आ रहा है किताब का। देखो नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर, अब ध्यान से सुन लो, मैं हर चैप्टर की खास बात बता देता हूं आपको, और इस अगले 3 पेजेस की खास बात बता देता हूं। खास बात सिर्फ यही है कि आप लोग मुझे यही कहेंगे, सर लेक्चर अपलोड कर दोगे, बस मुझे फिर से सुनना है, मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ अलर्ट करने जा रहा हूं आपको, धीरे समझाऊंगा, आराम से, बहुत इजी है। इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि अब इकट्ठे लॉज आ रहे हैं, 4-5 लॉज इकट्ठे आएंगे, ये एक था, अब 4 इकट्ठे आएंगे तो ना, एक करते हो दूसरा भूल जाता है, दूसरा करते हो पहला भूल जाता है, दो करते हो फिर नया वाला भूल जाएगा, फिर ऐसे 5-6 इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर बंदा वो हो यार फिर से पढ़ना पड़ेगा एक बार। तो मैं बहुत आराम से धीरे धीरे इस लॉज को करवाऊंगा, क्योंकि ये लॉज के ऊपर आपका कंपटीशन का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं आएगा तो ये तो पक्का ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कंडक्शन की बात नहीं कर रहे, हम कन्वेक्शन की बात नहीं कर रहे, अब हमारा कोर्स किस में चल चुका है, रेडिएशंस में। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर भी अगर मैं ये बोलता हूँ चाय का कप ठंडा हो रहा है, तो वो कंडक्शन या कन्वेक्शन से नहीं हो रहा, चाय का कप ऐसे ठंडा नहीं होता कि वो पहले वो एयर को मॉलिक्यूल गर्म करेगा, तो गर्म हवा ऊपर भागेगी, चाय के कप में इतना कितना दम है कि वो एयर को हिला देगा पूरी रूम के, कुछ नहीं होगा, रेडिएशंस है, सेक आएगा, आप हाथ रखो ऊपर पता लगता है कि सेक आ रहा है, तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में लूज करता है। सेम चीज को आगे स्टीफन ने भी समझाया कि कोई मर्जी दुनिया में कोई बॉडी है, वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब भी कर रही है और हीट को एमिट भी कर रही है, और ये कॉन्टिन्यूसली कर रही है, इवन हम भी कर रहे हैं। बहुत लोग एक रूम में इकट्ठे आ जाएंगे तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप नोट कर सकते हो, और अगर एक आध स्टूडेंट होगा हॉल खाली है तो वहां पर आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ही होता है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, ये पूरी सराउंडिंग से हमारी बॉडी क्या कर रही है, हीट को ले रही है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी हीट को रिलीज भी कर रही है, मतलब एक बॉडी हीट को लेती जाती है छोड़ती जाती है, लेती जाती है छोड़ती जाती है। तो अगर तो हीट लेने का रेट ज्यादा है, बाहर से हीट मुझे ज्यादा मिल रही है लेकिन मैं छोड़ कम रहा हूं, तो फिर मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर आप मतलब क्या कहूं मैं आपको, हीट ले ले रहा हूं,
मैं पैसे इकट्ठे करता जा रहा हूँ, खर्च तो रहा नहीं रहा, तो फिर अब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो हीट पैसे ही तो हैं, तो बहुत सारी हीट अगर इकट्ठी करता जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, तो फिर क्या होगा, बढ़ जाएगी, मेरे को गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। गर्मी में यही तो होता है कि आप बाहर टेम्परेचर गर्म है, आप हीट को लेते तो रहते हो, छोड़ोगे कहाँ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर पहले ही गर्म है, सराउंडिंग भी गर्म है, तो हीट कहाँ जाएगी, हीट जाती है हॉट से कोल्ड बॉडी, कोल्ड तो है ही नहीं कहीं, गर्मी तो गर्मी गर्मी हर जगह पड़ रही है, तो हीट कहाँ रिलीज होगी, आपको तो ऑटोमेटिकली गर्मी लगेगी। फिर आप भागते हो एसी वाले कमरे में, क्योंकि एसी वाले कमरे में टेम्परेचर होता है डाउन, जो आप हीट लेके आए हो बाहर से, अब वो रूम के अंदर आप रिलीज करते हो, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अच्छा उल्टा ले लो, सर्दियों के अंदर नॉर्मली क्या होता है, मैं हीट को रिलीज कर रहा हूँ, बाहर से मुझे हीट चाहिए, हीट तो है नहीं बाहर, तो इतना ठंड पड़ रही है, हीट कौन देगा मुझे, उल्टा ठंड ले लो एनवायरनमेंट बोलता है, गर्मी तो देगी नहीं, तो क्या होगा कि मुझे गर्मी तो मिल नहीं रही, लेकिन मैं छोड़ता जरूर जा रहा हूँ, अब ऑब्वियसली मेरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन, ठंड ऑब्वियसली फिर क्या होगा, डाउन होता जाएगा। तो गर्म ठंडे का समझ में आ रहा है क्या है सिस्टम, और कुछ वेदर ऐसे होते हैं बड़ा मज़ा आता है, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, क्योंकि जितनी जो भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उतना बॉडी का टेम्परेचर है, वो एक कांस्टेंट रेट होता है, वो छोड़ भी रही है और वो ले भी रही है, ना गर्मी हो रही है ना सर्दी हो रही है, एकदम सही चल रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो बस इस चैप्टर में यही करते रहेंगे, हीट बॉडी ने छोड़ दी, हीट एक्सेप्ट कर ली, फिर ट्रांसफर दूसरी जगह टू रेडिएशन। तो ये माना गया है कि अगर आपके पास किसी बॉडी पे हीट इंसिडेंट होती है, ठीक आ रही है, ये इंसिडेंट हो गई, वो बॉडी उसका कुछ पार्ट अपने पास क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, कुछ उसकी सरफेस क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, डिपेंडिंग कि वो कितनी शाइनी सरफेस है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ क्या पता वो रिफ्लेक्ट बिल्कुल ना करे, डार्क डल बॉडी है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, वो एब्जॉर्ब ही कर लेती है, बस कोई शाइनी सरफेस है वो गर्म भी हो रही है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो देयर इज एन ऑप्शन कि बॉडी अपने पास हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और साथ में रिफ्लेक्ट कर देगी, और ये भी ऑप्शन है उसने हीट तो ले ली, अब वो क्या करेगी, साथ ही साथ ट्रांसमिट करेगी, सेक आएगा रेडिएशन की फॉर्म में, ट्रांसमिटेड, तो वो लेती जा रही है साथ में छोड़ती जा रही है, लेती जा रही है साथ में छोड़ती जा रही है, कुछ रख भी रही है, रखने का मतलब एब्जॉर्ब कर रही है, बिल्कुल ना रखने का मतलब एक्सेप्ट ही ना करना का मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है, और रख के आगे ट्रांसमिट करना मतलब रेडिएशन की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट कर रही है। तो ये माना गया है कि जो हीट एक बॉडी को दी जाती है वो तीन तरीके से बॉडी रिलीज कर सकती है, अपने पास रख भी सकती है, पहला रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड। तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट आई, उसमें से कुछ जूल्स, या मान लो 100 जूल की हीट आई, उसमें से 50 जूल्स ने रिफ्लेक्ट कर लिए, 40 जूल एब्जॉर्ब कर लिया, और 10 जूल ट्रांसमिट। फॉर्मूला भूलना नहीं है, वैसे एनर्जी कंजर्वेशन है ये, ठीक हो गया यहां तक। अगर मैं इस इक्वेशन को टोटल हीट से डिवाइड कर दूं, क्यू क्यू क्यू, ये क्या आ गया, वन फ्रैक्शन आ गई पूरी, वन, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, फ्रैक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, क्लियर है यहां तक। तो स्मॉल तीनों जो फ्रैक्शन का सम है इज इक्वल टू वन, कोई डाउट इसमें, ये तो सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड इज वन, और इसको या तो बोलो ए को, ये ए करना प्लीज, ए छोटा ए, छोटा ए, स्मॉल ए इज, स्मॉल ए इज एब्जॉर्प्टिव पावर, स्मॉल ए का नाम क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर, आप ऐसा बोल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एक ही बात है, एब्जॉर्प्टिव पावर, कोई डाउट इसमें। तो ए के यूनिट्स क्या हुए, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के यूनिट्स नहीं होते, कोई डाउट इसमें। टी का मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, राइट, और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसमिटिविटी, तो नाम है ट्रांसमिटिविटी, है ये वही चीज, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, सेक की फॉर्म में, राइट, और ऐसी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं, स्मॉल आर, नाम रखा गया है ये फ्रैक्शन। तो ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, हर्ष क्लियर है। किसी बॉडी के लिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती,
परफेक्टली ब्लैक बॉडी सिर्फ किताबों में देखी गई है यहाँ पे, मतलब बुक्स में मानते हैं, होती नहीं है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ए वन है, आर और टी जीरो है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती है। और ये माना जाता है कि वो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नहीं करती, लेकिन एक्चुअल में वो करती है, राइट क्योंकि ऐसा होगा नहीं, तो ब्लैक होल हो गया, आप देते ही जा रहे हो, उसने कुछ देना नहीं आपको, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऑब्वियसली कोई बॉडी जब हीट लेगी तो साथ के साथ एमिट तो करती ही है। पर हाँ, एक डेफिनेशन बना दी, दिस इज नोन एज अ परफेक्टली ब्लैक, मतलब रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करती, सारा की सारी हीट एक बार एब्जॉर्ब ही कर लेती है, ठीक हो गया। उसके बाद परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ चमकते हैं। परफेक्ट रिफ्लेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करते, कोई भी अगर मिरर भी होगा वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, गर्म भी होगा, एब्जॉर्ब भी करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स कौन होते हैं, जो पूरा 100% एनर्जी क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट, ना वो एब्जॉर्ब करते हैं ना वो ट्रांसमिट करते हैं, डेफिनेशन है। और ऐसे परफेक्ट ट्रांसमिटर्स क्या होते हैं, जो क्या करेंगे, हीट आई अपने पास बिल्कुल नहीं रखना उन्होंने, जैसे ही आई उसी की रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसमिट करनी शुरू करती, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ किताबी बातें हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक हो गया। डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक, मैं अलर्ट बता रहा हूँ आपको, आपको तीन डेफिनेशन बड़े ध्यान से समझ लेना, मैं बार बार अलर्ट कह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ तो है कुछ नहीं, बस ये उनके लिए जो ध्यान से सुनते नहीं, पहले सुनते नहीं, बाद में फिर कहते हैं कि ओहो ये तो दिक्कत हो गई थोड़ी सी, ठीक, ध्यान से जो बातें कर रहे हैं ध्यान देना प्लीज। तो क्योंकि सिंबल बहुत ध्यान से यूज करने वाले हैं, ई सिंबल यूज होगा, बहुत ज्यादा ई सिंबल यूज होगा, और ई चेंज कर करके होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, बहुत ध्यान से आगे, क्या डेफिनेशन, एब्जॉर्प्टिव, ठीक, क्या डेफिनेशन है, एब्जॉर्प्टिव, आपने कर लिया, क्या सिंबल है, छोटा ए, कई बुक्स इसको अल्फा लिखती हैं, तो मैंने भी अल्फा भी लिख दिया और छोटा ए भी लिख दिया, एक ही बात है। एब्जॉर्प्टिव पावर वही ऊपर जो यूज किया, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो कोई टेंशन नहीं इसमें, बिल्कुल वही सेम चीज है, एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्प्टिव पावर, ए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, वन एंड दी सेम थिंग, सब एक ही बात है, ये डेफिनेशन याद रहेगी। तो ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब इसके कोई यूनिट्स नहीं है, दिस इज बेसिकली व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मैंने बताया ए क्या होता है, वन, पहले डेफिनेशन क्लियर करें, हो गई क्लियर, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, राइट, ओके। नेक्स्ट इज ए लैम्डा, ए के पैर में लैम्डा, अब ध्यान से समझना प्लीज, हालांकि इसकी एप्लीकेशन बहुत कम है, लिख दी मैंने तो मैं समझा रहा हूं, पर मैंने इसको यूज होता हुआ बहुत कम देखा है, एक ही न्यूमेरिकल में देखा है, अदरवाइज तो न्यूमेरिकल ही देखे मैंने इसके ऊपर, फिर भी अब लिख दी तो बता देता हूं क्या चीज है। ए लैम्डा का मतलब है एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक। जैसे मैं एक, मान लो एक ऐसी बॉडी हूं जिसको आप हीट देने वाले हो, और मैं हीट को क्या करने वाला हूं, एब्जॉर्ब करने वाला हूं, ठीक, आप मुझे, मैं उसे एब्जॉर्ब करूंगा, राइट, ध्यान से समझना, आपने मेरे को रेडिएशन जी एब्जॉर्ब करने के लिए एट अ वेवलेंथ ऑफ 10,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। एक स्टूडेंट ने दी, सर आप रेडिएशन घेरूंगा आपके ऊपर 2,000 एंगस्ट्रॉम, मैं एक बॉडी किसी मटेरियल की बनी हुई हूं तो ऑब्वियसली मेरी एक नेचर होगी, मान लो 10,000 एंगस्ट्रॉम को मैं एब्जॉर्ब ही नहीं करता, मेरी मर्जी है, मेरी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करती, 2,000 को मैं एब्जॉर्ब करता हूं, राइट, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए 10,000 एंगस्ट्रॉम, ए 2,000 एंगस्ट्रॉम, राइट, तो 2,000 के लिए ये फ्रैक्शन अलग होगी और 1,000 के लिए फ्रैक्शन अलग होगी, तो ये नहीं है कि ए की वैल्यू एक ही होगी, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इट मे चेंज। समझ में आया ये लैम्डा पैर में क्यों आ जाता है, लैम्डा यही शो करता है कि इसका मतलब कि ये बॉडी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी वेवलेंथ को हो सकते हैं एब्जॉर्ब ना करें, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ओके।
तो ए लैम्डा का कॉन्सेप्ट समझ में, याद कुछ नहीं करना प्लीज, बस समझना है और कुछ नहीं करना, छोड़ देना समझ के, कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं अगर समझ में आता है तो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल के साथ, इफ मैं ऐसा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, यूज नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूं, मतलब इतनी टेंशन स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो कोई इतनी टेंशन नहीं है, मैंने इसका न्यूमेरिकल देखा नहीं, बट अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या चीज है। ए की वैल्यू 0.6 है, ए की वैल्यू 0.6 है, एंड ए लैम्डा कितना है 0.4 है फॉर 1000 एंगस्ट्रॉम, एंड ए लैम्डा की वैल्यू 0.7 है फॉर 2000 एंगस्ट्रॉम। देखो ए लैम्डा चेंज होगा, ए लैम्डा अलग अलग वेवलेंथ का डिफरेंट होगा, तो यानी कि ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने 1000 एंगस्ट्रॉम की इसके ऊपर रेडिएशन घेरी तो ये इसका 40% ही अब्सॉर्ब करेगा, 0.4 का मतलब 40%, और अगर 2000 एंगस्ट्रॉम को घेरा तो ये 70% एब्जॉर्ब करेगा, बाकी नहीं करेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब फिर अगर ऐसे ही बाइफर्केशन करनी है, फिर ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब टोटल रेडिएशन को कैसे उसने एब्जॉर्ब किया, फॉर एग्जाम्पल सरफेस विल एब्जॉर्ब 60% ऑफ ए, 0.6 का मतलब 60% ऑफ टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, 60% जो इंसिडेंट हुई वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड इट एब्जॉर्ब्स 40% कॉरस्पॉन्डिंग टू 1000 एंड 70% कॉरस्पॉन्डिंग टू 2000। कई लोग ना प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, कहते हैं सर गलत हो गया, मैंने कहा कैसे, इन दोनों का सम 1 से ऊपर एक्सीड कर गया, प्रोबेबिलिटी तो ना सिखा रहा हूं मैं आपको कि, या फ्रैक्शन तो ना बता रहा हूं कि 0.6 और 0.6 ही आएगा उसमें, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे। सपोज करो आप जो एक बॉडी के ऊपर कुछ रेडिएशंस गिरते हो, राइट, कुछ रेडिएशंस गिरते हो, रेडिएशंस कैसे गिरते हो, मान लो इसका एक बॉडी है और उसके ऊपर 1000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशंस गिरते हो और उसके ऊपर 2000 एंगस्ट्रॉम की भी रेडिएशंस गिरते हो, दो टाइप की गिरते हो, वो बॉडी 1000 जो रेडिएशंस है उसको अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेगी, तो जब मैंने 1000 रेडिएशंस गेरी, 1000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशंस गेरी, तो मैंने देखा उसने 40% उसका एब्जॉर्ब कर दिया, 60% छोड़ दिया, क्लियर हो गया। तो ये केस 2000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन से डिफरेंट है, अभी बात सब 1000 की। फिर मैंने उसके ऊपर क्या गेरा, 2000 एंगस्ट्रॉम की गेरी, तो मैंने देखा 2000 एंगस्ट्रॉम का ये 70% एब्जॉर्ब कर रहा है और 30% रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका इस केस से लेना देना है, ये अलग केस है और ये अलग केस है, उसकी नेचर अलग है, उसमें वो ज्यादा हो सकता है किसी को 90% कर दे और बाकियों को हो सकता है एक भी ना करे, तो डिपेंडिंग कि क्या आपने लैम्डा गेरा और डिपेंडिंग कि वो नेचर क्या है उस मटेरियल के, उसके ऊपर ए लैम्डा कैन चेंज। तो पहला स्टेप समझ में आया, ए लैम्डा डिफरेंट हो सकता है अलग अलग रेडिएशन का। अब मैं बात करता हूं टोटल ए की, टोटल ए में मैंने स्टूडेंट से पूछा यार तो एक बात बता, तेरे को 1000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन मिली थी, हाँ कहता मिली थी, फिर मैंने कहा तेरे को 2000 भी मिली, कहता हाँ 2000 ही मिली, तो तू बता कि तूने टोटल कितना एब्जॉर्ब किया। अब टोटल एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ, इसने फिर अपना कॉपी पेंसिल खोली, इसने कहा देखो सर ऐसा था कि 1000 एंगस्ट्रॉम की टोटल एनर्जी Hcλ मेरे को इतनी मिली, मैंने कहा ठीक है, फिर इसने कहा कि फिर मेरे को 2000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी टोटल कितनी मिली, Hcλ इतनी मिली, तो मैंने कहा टोटल एनर्जी कितनी मिली, इसने दोनों को ऐड करके मुझे बता दिया इतनी मिली, फिर मैंने कहा तूने एब्जॉर्ब कितना किया, फिर जब एब्जॉर्ब करने की बारी आई, इसने कहा कि मैंने 40% किया 1000 का, 60% या 70% किया दूसरे का, मैंने कहा परसेंटेज ना बता, वैल्यू बता, इसने वैल्यू बता दी जूल में, इतनी इतनी मैंने एब्जॉर्ब की, मैंने कहा टोटल बता तूने कितना एब्जॉर्ब किया एनर्जी, इसने 1000 एंगस्ट्रॉम की टोटल बता दी, 2000 एंगस्ट्रॉम की टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बता दी। अब इसने मेरे को क्या बता दिया, टोटल एनर्जी इंसिडेंट अपॉन टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब, इरिस्पेक्टिव कि वो 1000 की है या फिर, आपको ऐसा नहीं फीलिंग आ रही एवरेज निकल रही है, टोटल एनर्जी जो गिरी 1000 और 2000 की और एवरेज, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई 1000 की और 2000 की, तो यानी कि एवरेज अगर हम निकालें इसकी, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ऑफ 1000 एंड 2000 डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑफ 1000 एंड 2000, वो ए है, तो ए अलग चीज है, ए लैम्डा अलग चीज है, समझ में आ रहा है यहां तक। तो ए लैम्डा बेसिकली पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए काम करने वाली बात है और ए का मतलब एवरेज, क्लियर है यहां तक। तो आपस में तीनों केसेस जो हैं वो अलग अलग से कैलकुलेट होते हैं, ये इसका मीनिंग है, आता ये है नहीं पेपर में, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं,
बुक्स में लिखा है, लोग डाउट पूछ लेते हैं सर देखो जरा ये ए लैम्डा क्या लिखता है, तो मैंने बता दिया कि एटलीस्ट आपको समझ में आएंगी उसकी बातें कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, जब पड़ेगी तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक स्टूडेंट से पूछा कि बता फिर ए और ए लैम्डा का रिलेशन क्या है। अब रिलेशन तो उसने अपने तरीके से बता दिया, कैसे बताया, उसने कहा सर एक काम करो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैंने कहा क्या, उसने कहा जो भी ए लैम्डा है, जो भी ए लैम्डा है, ए लैम्डा का मतलब है जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लैम्डा है। अब नॉर्मली एक और चीज बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आपको आप एक बॉडी के ऊपर सिर्फ 1000 और 2000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन को ही घेरो। कोई स्टूडेंट रेडिएशन घेर रहा है पता है कैसे, 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000.01 एंगस्ट्रॉम, 1000.02 एंगस्ट्रॉम, 1000.03 एंगस्ट्रॉम, 1001 एंगस्ट्रॉम, मतलब बस बैठ ही गया है 1000 से लेके 2000 तक जितनी वैल्यूज हैं सारी गिरता जा रहा है। अब इस बंदे का क्या करोगे, न्यूटन को याद करोगे और इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि वो धीरे 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 छोटी छोटी वैल्यूज में चेंज कर रहा है। तो उसने यही कहा कि अगर आप टोटल करना है तो डी लैम्डा के साथ ए लैम्डा को इंटीग्रेट करेंगे और जीरो से इन्फिनिटी पता नहीं कितनी वेवलेंथ करेगा और आपके पास टोटल ए आएगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, वैसे लिख दिया मैंने, आपकी बुक्स लिखती हैं मैंने लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास। इसको आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, पर आपको ए लैम्डा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और कुछ नहीं चाहिए बस। ए लैम्डा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की कहानी समझ में आई, बस इतना बता दो, बस इतना सफिशियंट है, नहीं चाहिए और कुछ। क्यों अननेसेसरी दिमाग लगाना है यार, ये नहीं आएगा मेरे को पता। एक बार एडवांस में क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, एडवांस वालों ने ए लैम्डा को दे दिया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वन, कहते हैं टोटल ए निकालो। अब जिनको तो ये फॉर्मूला याद था, ये देखो डी लैम्डा, उनका तो हो गया क्वेश्चन, उन्होंने सुना ही नहीं था क्लास में इसलिए सुनाया है, भूले भटके अगर आपको भी कुछ आ जाए तो यार कम से कम फॉर्मूला तो काम कर, मेडिकल में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, नॉन मेडिकल वालों के लिए रहती है सारी चीज़ें, ठीक। अभी नहीं है, जब अभी नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, अभी बिल्कुल नहीं जरूरत। अननेसेसरी थ्योरीज में नहीं जाना, जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगी तभी करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैं एक और डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, प्लीज टाइम बता देना, टाइम ठीक है, एक और डेफिनेशन बताऊंगा प्लीज। और डेफिनेशन ई, पहले क्या किया ए, अब क्या है छोटा ई, छोटा ई का मतलब एमिसिव पावर, ठीक, ए एब्जॉर्प्टिव पावर, यूनिट्स क्या है इसके ए के, कुछ भी नहीं। ई का मतलब एमिसिव पावर, सुनने में लगता है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एमिटेड, बिल्कुल गलत। इसका मतलब है कि कितनी एनर्जी एक बॉडी ने एमिट की, एमिट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सुनने में मैं फिर कह रहा हूं कंफ्यूजन होती है, छोटा ए का मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, छोटा ई का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। जब भी कोई बॉडी अपनी अंदर से एनर्जी को एमिट करती है तो वो कभी भी उसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती इतने जूल की एनर्जी छोड़ दी, उसका मतलब होता है उस बॉडी ने कितनी एनर्जी एमिट की पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। कभी कभी कई बुक्स लिखती हैं ऐसे, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड क्या होती है पावर, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ये भी लिखती हैं, राइट। तो फिर रिपीट करते हैं, छोटे ए का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट, नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट, फ्रैक्शन है कोई यूनिट्स नहीं। छोटे ई का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, भूलोगे तो नहीं, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। यूनिट्स जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, याद रहेगी डेफिनेशन। तो एमिसिव पावर का मतलब सिंबल क्या होगा एमिसिव पावर का, छोटा ई एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट, डन हो गया, ठीक ओके। ए और ई की पहचान हो गई, कुछ नहीं करना आगे, ये कुछ नहीं है एनर्जी एमिटेड, वही एक बॉडी अपने अंदर से कितनी एनर्जी एमिट करती है वो स्पेक्ट्रम करती है। जब एक बॉडी गर्म होती है ना और जब ठंडी होती है तो एक 1000 एंगस्ट्रॉम की नहीं करती, 1000 1001 1002 1003 इस तरीके से एनर्जी का स्पेक्ट्रम एमिट करती है। तो उसी हिसाब फॉर्मूला बनाया गया, पर हम इसको यूज कर रहे हैं, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि सर कोई बॉडी ने 1000 एंगस्ट्रॉम की कितनी एनर्जी एमिट की,
तो उसका सिंबल क्या पुट करेंगे, ई 1000, ई 1000 बॉडी 2000 एंगस्ट्रॉम की कितनी एनर्जी एमिट करती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ई लैम्डा। समझ में आ रहा है, ई लैम्डा का मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ कितनी एमिट करती है, अदरवाइज ई से ही काम चलता है, राइट। और लास्ट सिंबल जिसे खत्म करेंगे इसे, एमिसिविटी एप्सिलॉन। देखो नाम देखो, ई से लिख एबीसीडी कर देते यार, ज्यादा आसान हो जाता। फिर से ई से सिंबल आ गया, क्या एमिसिविटी, एमिसिविटी क्या चीज है, ध्यान से देखो प्लीज, इधर देखो, एमिसिविटी इज लास्ट डेफिनेशन है स्मॉल ई, स्मॉल ई का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो स्मॉल ई का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी, ये भी साथ में बोल देना, फॉर एनी बॉडी। किसी ने पूछा सर ब्लैक बॉडी एमिट करेगी, मैंने कहा हाँ ब्लैक बॉडी भी करेगी, वो तो वो कैसे करेगी, वो तो सिर्फ एब्जॉर्ब करती है। मैंने कहा एक काम कर, इमेजिन कर एक ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसने खूब सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और मैंने उसको छोड़ दिया एनर्जी को एमिट करने के लिए। अब वो एनर्जी एमिट करेगी, वो जो एनर्जी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो क्या लिखेंगे, ई ब्लैक, ई ब्लैक का मतलब कि फॉर अ परफेक्टली, पी लिख देते हैं, पी ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सिंबल तो ई रहेगा ना, सिंबल ई रहेगा, तो यानी कि अकेले ई का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी, और ई ब्लैक का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर अ परफेक्टली, बड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट करता है, राइट। तो बनाने वालों ने क्या किया, इसका सिंबल ही चेंज कर दिया, वो कहते हैं हम तो ई नॉट पुट करेंगे, मैं कहता हूँ और कन्फ्यूजन हो गई, अब एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया, ई नॉट। अगर आप किताब में कैपिटल ई नॉट स्पेशल दर्जा दिया गया परफेक्टली ब्लैक बॉडी को, उसका सिंबल चेंज किया ई नॉट, बात एक ही है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी इज छोटा ई, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ई नॉट। समझ में आ रहा था, क्लियर है, बात एक ही है, मैं फिर कह रहा हूं, क्लियर यहां तक, तो ई और ई कैपिटल ई नॉट में डिफरेंस समझ में आया यहां तक, एक ही बात है। और यह भी याद रखना, जो एमिशन परफेक्टली ब्लैक बॉडी कर सकता है और कोई बॉडी उसके कंपैरिजन में कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा वो एमिट भी करेगा। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, फॉर एनी बॉडी एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कंपेयर करें, उसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, एमिसिविटी। और ऑब्वियसली मैंने क्या बताया, ई नॉट से बड़ा कोई नहीं है, कोई दुनिया की बॉडी ले आओ वो उतनी एमिशन नहीं कर सकती जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी करेगी, तो दिस फ्रैक्शन इज लेस देन 1, ये 1 से कम ही आएगा, कोई डाउट इसमें। तो किसी भी बॉडी के लिए 0 और 1 के बीच में रहेगी एमिसिविटी, और अगर ये एप्सिलॉन 1 हो जाए 1, तो ई और ई नॉट इज 1 एंड दी। तो वे लास्ट में जाते हुए, ए का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कोई डाउट इसमें। छोटे ई का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट, राइट, फॉर एनी बॉडी। और सेम अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तो कैपिटल ई नॉट, और एप्सिलॉन एमिसिविटी का मतलब फ्रैक्शन किसकी, ई का और ई नॉट का। यहां तक क्लियर है, बस आधा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन लोग